do you know hormonal problems like PCOS, thyroid, liver issues या फिर cancer जैसी बीमारी इतनी common क्यों हो गई है आजकल? इसका जो secret है वो लाया करता है हमारे kitchen में. Yes, you heard me right. किचन में हम अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं, बट हमारे किचन में, हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी के अभी बाहर फेंकने की ज़रूरत है. वो चीज़ें कौन सी हैं वो इस वीडियो में आपको आज पता चलेंगी, एंड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे आपको कि आप उनके बदले आप क्या यूज़ कर सकते हैं सो दैट आपकी और आपकी फैमिली की वेल बींग मेंटेन रहे, आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से या इवन छोटी छोटी बीमारियों से भी बचे रहें. सो अगर आपको जानना है हाउ टू डू दैट, Stay tuned till the end of this video and let's just get started with this video. Number one is non-stick cookwares. Non-stick cookwares 90% homes में Indian households में use किए जाते हैं. हमारे भी घर में non-stick cookwares हैं, but सबसे ज़्यादा harmful यही है, क्योंकि अगर non-stick cookware को आप high flame के ऊपर रख कर कुछ cook करते हो तो उसे जो फ्यूम्स निकलती हैं वो फ्यूम्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. वो इतनी हार्मफुल है कि उससे आपको ब्रेन डैमेज भी हो सकता है इन द लॉन्ग रन, आपके लंग्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है. कैंसर तो एक बहुत ही कॉमन सा साइड इफेक्ट है नॉनस्टिक कुकवेयर्स का. सो अगर इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना है तो मेक श्योर कि आप नॉनस्टिक कुकवेयर्स यूज़ करना बंद कर दो. ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए. जैसे ही ये हीटअप होते हैं इनसे केमिकल्स एमिट होते हैं जो हमारे खाने के साथ मिलकर हमारी बॉडी में जाते हैं एंड हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं. इनके बदले आप यूज़ कर सकते हो खाना बनाने के लिए कास्ट आयरन के यानी कि लोहे के बर्तन, जिसमें आप इजीली कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं एंड वो डेफिनेटली नॉनस्टिक कुकर की तरह हार्मफुल नहीं है. या फिर आप गो बैक टू बेसिक्स, मिट्टी के बर्तन खरीदो और उनमें खाना बनाओ. अगर आपको लिंक जानना है इन चीज़ों का तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डू चेक दैट आउट. नंबर टू इज़ एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स. एल्यूमिनियम हमारे भारतीय घरों में क्यों आया, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स एंड बहुत अबंडेंट है, यानी कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ईजीली आपको मिल जाता है. ये दो रीजन्स की वजह से एल्यूमिनियम हमारे आई थिंक हर घर में ही आपको एल्युमिनियम के कुछ ना कुछ बर्तन ज़रूर मिल जाएंगे एंड कुछ भी नहीं तो कुकर या कढ़ाई तो ज़रूर मिल ही जाएगा आपको इंडियन हाउस होल्ड्स में. एंड एल्युमिनियम को स्लो पॉइजन बोला जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे खाने में लीच करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है एंड हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे कि किडनीज या लंग्स की बीमारियाँ, जो बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट्स है एल्युमिनियम के बर्तन अगर आप बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हो. एल्युमिनियम खाने में लीच करता है, इसका टेस्ट करने के लिए अगर कोई कुकर आपके पास है जो 3-4 साल से आप यूज़ कर रहे हो, जो आप शायद 3 लीटर या 2 लीटर का लेकर आए होंगे, तो आप उसका वे कराओ जाकर. अगर आपको कंसिडरेबल डिफरेंस पता चलेगा तो जस्ट इमेजिन कि वो एल्युमिनियम सारा गया कहाँ, वो हमारे पेट में गया. यस, खाने के साथ एल्युमिनियम हमारी बॉडी में जाके इकट्ठा हो जाता है एंड हमारी बॉडी को किडनीज और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. सो मेक श्योर कि एल्युमिनियम यूज़ करना बंद कर दो, उसके बदले आप स्टेनलेस स्टील यूज़ करो. स्टेनलेस स्टील बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है एल्युमिनियम का एंड उनके प्राइजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट स्टेनलेस स्टील एल्युमिनियम से 1000 times बेटर है. सो दैट वॉज माई पॉइंट नंबर टू. नंबर थ्री एल्युमिनियम की ही बात करते हैं, बट नाउ कम्स टू एल्युमिनियम फॉइल. एल्युमिनियम फॉइल भी बहुत ही कॉमन है, गरम गरम खाना पैक करके हमें लंच पैक करना हो तो हम, या फिर खाना बनाकर रखना भी हो तो हम एल्युमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं. बट सेम कॉन्सेप्ट कि गरम गरम खाना जब हम पैक करते हैं तो एल्युमिनियम फॉइल के जो कुछ पार्ट्स जो है हमारे खाने में मिल जाते हैं एंड हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जो अगेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. और इसका बेटर ऑल्टरनेटिव आपके पास है कि आप कोई भी कॉटन क्लॉथ में खाना पैक करो या फिर बटर पेपर का यूज़ करो, विच इज़ सो मच बेटर देन एल्युमिनियम फॉइल्स. नंबर फोर इज़ प्लास्टिक कंटेनर्स और प्लास्टिक बॉटल्स. आपने मार्केट में ज़रूर सुना होगा वर्ड कि ये प्लास्टिक BPA फ्री है. BPA फ्री तो वो प्लास्टिक होता है, बट उसमें BPS होता है जो इक्वली हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि प्लास्टिक में बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स से मिलकर प्लास्टिक बना होता है, विच इज़ सो हार्मफुल फॉर आवर बॉडीज़. अगेन, प्लास्टिक की जगह अगर आपको कोई भी चीज़ स्टोर करनी है या फिर अगर आपको बॉटल्स चेंज करनी है तो आप ग्लास बॉटल्स का यूज़ करो, कॉपर की बॉटल्स का यूज़ करो या फिर स्टील की बॉटल्स का यूज़ करो, बट
से नो टू प्लास्टिक. प्लास्टिक वैसे भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है एंड ये रिसाइकल होने में भी यू नो दैट कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है. सो मेक श्योर कि आप ग्लास कंटेनर्स यूज़ करो, ग्लास की बॉटल्स यूज़ करो एंड जस्ट स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक फॉर आर एनवायरनमेंट सेफ ऑल्सो. नंबर 5 इज़ रिफाइंड ऑयल. रिफाइंड ऑयल को रिफाइंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको रिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एसिड्स. यस यू हर्ड मी राइट, उसमें एसिड मिलाया जाता है ऑयल को रिफाइन करने के लिए एंड उसको डिओड्राइज करा जाता है. क्योंकि जब एसिड मिलाया जाता है ऑयल के अंदर तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है एंड स्मेल को हटाने के लिए उसके अंदर हेक्सानॉल केमिकल का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए. रिफाइंड ऑयल डेली यूज़ करने से आपको हार्ट प्रॉब्लम्स या इवन कैंसर जैसी बीमारियाँ भी हो सकती हैं. सो मेक श्योर कि रिफाइंड ऑयल में गर्म गर्म पूड़ियाँ मत तलो, इनफैक्ट उसकी जगह मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल यूज़ करो, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में हेल्प करता है एंड उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं. सो स्टॉप यूजिंग रिफाइंड ऑयल. रिफाइंड ऑयल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है एंड यू स्टार्ट यूजिंग देसी घी या फिर मस्टर्ड ऑयल टू फ्राई वॉट एवर यू वॉन्ट टू फ्राई. सो दीज वर द 5 थिंग्स जो हमें स्विच करने की, चेंज करने की या फिर थ्रो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर आप भी अपने घर में ये चीज़ें यूज़ करते हो, स्टॉप यूजिंग दैम फॉर योर ओन वेलबींग एंड फॉर योर फैमिलीज़ वेलबींग. आई नो एकदम से तो सब कुछ आप स्विच नहीं कर सकते, धीरे धीरे मेक द चेंज फॉर अ बेटर वर्ल्ड ऑल्सो. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी एंड प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट.